चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। जावेद फारूकी, सिराज हाशमी, रिहाना अंसारी, सोहेल खान, डॉक्टर जुबैर, अर्शी आजमी, अशरफ मुन्ना भाई, अकरम भाई, शहादत अंसारी, महमूद भाई, ईशान खान, समीर सैयद साहब, इकबाल सिद्दीकी साहब, डॉक्टर शमशेर साहब, माज फारूकी साहब, असलम भाई, जिन लोगों के नाम छूट गए, ऐसे सभी मान्यवर मंच पर सामने बुजुर्ग, मेरी महिला कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस, NSY, सब नौजवान साथी और दोस्तों, मैं सबसे पहले ताहिर मोमिन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब से वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, यहां पर कांग्रेस के अंदर में एक नई जान डालने का काम किया है और उनके माध्यम से राहुल गांधी का जो एक साल पूरा हो रहा है पदयात्रा का, उसके लिए हम सब लोग यहां पर जनसभा निकाला। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने बहुत पूरे देश के अंदर में कांग्रेस को एक नई जान देने का काम किया। कांग्रेस ने पूरे देश में राहुल गांधी का एक साल भारत जोड़ो का आज बहुत जबरदस्त एक काम अच्छा किया कि उन्होंने नया काम पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस में एक नई जान डालने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी, जिसे मैं भारत जलाओ पार्टी कहूंगा, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नफरत और आग फैलाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोगों के घर जलाकर, अभी आपने हरियाणा में देखा है, नूह में लोगों के घर जलाए, और किन लोगों के घर जलाए आपको मालूम है। तो भारतीय जनता पार्टी गरीबों के घर जलाकर वोट मांगती है और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान खोलकर लोगों से प्यार मांगती है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। पूरे देश के अंदर में जो माहौल और वातावरण शुरू है, उस वातावरण से लड़ने के लिए हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर लड़ना होगा। आज हमारे हिंदू भाइयों को भी मैं जन्माष्टमी की मुबारकबाद देता हूं, और एक शेर मुझे याद आ रहा है, ह से होता हिंदू, म से होता मुस्लिम, ह और म को मिला दो तो होता है हम, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे खुद है, हम जमाने से नहीं। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, बुराई आ जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी हमें आपस में लड़ा करके नफरत की आग में प्रधानमंत्री और इस देश को चलाना चाहती है। हमारे अध्यक्ष जी ने बताया 400 से लेके उन्होंने 1100 रुपए तक गैस का भाव बढ़ाया, सिलेंडर के भाव बढ़ गए, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, बेरोजगारी का उन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी बढ़ा दिया, नोटबंदी करके और बेरोजगारी बढ़ा दिया। आज हमें इससे लड़ना है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमें एक नई लड़ाई लड़नी है और कांग्रेस को मजबूत करना है, राहुल गांधी को मजबूत करना है, नाना पटोले जी के हाथ मजबूत करना है, कांग्रेस के हाथ मजबूत करना है। एक आखिरी में शेर कहकर अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ, जो जख्म है कातिल का पता देता है, आईना मुकाबिल का पता देता है, तूफानों से बच बच कर संभालने वालों, तूफान ही ताहिर का बताता है। धन्यवाद, जय हिंद। राहुल गांधी, राहुल गांधी, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।